पता चला कि 2026 के चुनाव में आप लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह हाथ आजमा रहे हैं? देखिए, मैंने स्पष्ट शुरू से कहा कि हम लोग छात्र हैं, चाहे मनोज यादव रहें, देवेंद्र नाथ महतो रहें या फिर जो अन्य साथी हैं, हम मैक्सिमम पढ़ने वाले सभी छात्र हैं। ये छात्र राजनीति किए हैं, न जाने दर्जनों दर्जन फॉर्म भरने का काम किया है, और अभी भी जितने भी लोग आए हैं 75% जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भरने वाले ही हैं। लेकिन जो देख पा रहे हैं, जैसा लगातार हमारी नौकरियों को अगर बाहर के लोगों को बेचा जाएगा तो इसी परिस्थिति में सड़क में अगर विरोध करते रह जाएंगे तो शायद लोग नहीं सुनेंगे, इसलिए सदन में जाने का विकल्प तलाशना चाहिए। तो सदन में जाने का विकल्प उसकी चर्चा हुई, और इस दौरान हम लोग जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे राज्य में आंदोलन कर रहे हैं, तमाम संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं, उनको सभी को साथ में लेने के लिए उनको एक पत्र जारी किया जाएगा, और एसपी कोड के माध्यम से उन तक सूचना संप्रेषित की जाएगी कि आप अपना आशीर्वाद हेतु हम लोग का जो युवा है जो आज कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, लगातार झारखंड के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन करें और 2024 की वैकल्पिक तैयारी की तैयारी करें। क्या रणनीति तय की है आपका आगामी? देखिए, फिलहाल हमारी रणनीति की जो हम लोग का झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, इसे एक जो केंद्रीय कमेटी जो अभी तक फिलहाल मैंने कोयलांचल के क्षेत्र में सक्रिय रूप में कार्य कर रही थी, आज इसे विभिन्न प्रमंडलों के लगभग 500 प्रमंडलों के नौजवान यहाँ आए, शायद पलामू छूटा था, तो उसके बाद ये हमारी रणनीति बनी, और कि बाकी जो प्रमंडल हैं, बाकी जो हमारे जिले हैं, वहाँ तक इस आंदोलन की धार को कैसे लेकर जाया जाए, वहाँ तक लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि आखिर राज्य में हमारे साथ जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो। तो कुल मिलाकर झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के जितने भी नौजवान हैं और जो भी अन्य प्रमंडलों से चलकर आए हैं, वो एक संकल्प के तौर पर इसका आज की जो विचारधाराएं हैं उसे अपने गाँव तक लेकर जाएंगे, और उसी क्रम में आज हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लातेहार, गुमला, रामगढ़ तो खैर हमारा मेन पॉइंट अभी रहा है, बलहान के तीनों जिलों से आए हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, जामताड़ा, गोड्डा, कुछ कुछ जिले छूटे हैं जो कि सच्चाई है। तो कुल मिलाकर जो हम लोग का आंदोलन चल रहा है, जो भी मुद्दे हैं और इनको अब ड्राफ्टिंग करने की तैयारी है, हमें भी अपने नियम कानून के साथ कागजी कलम के साथ लयबद्ध होकर आंदोलन करने के लिए हम लोग आप तरह तरह की टीमों का जो जांच पड़ताल के बाद संगठनिक रूप से काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने के लिए आज बैठे थे। आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी राजनीतिक दलों के साथ लड़ेंगे, छात्र संगठनों को मिला करके लड़ेंगे, क्या रणनीति है? देखिए, ये तो स्पष्ट है, अगर हमें चुनाव लड़ने की नौबत आती है, क्योंकि रायशुमारी ये हो रही है झारखंड के धरातल पर, और ये गांव-गांव में हो रही है कि जो नौजवान आज आंदोलन कर रहे हैं इनके हाथों में, कम से कम ये नौजवान विधानसभा के भीतर अगर सदन में जाते हैं तो कुछ काम आसान होगा और कुछ जो अभी लोग कर रहे हैं उसे थोड़ा बेहतर होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव में अगर ये नौजवान आते हैं, ये आज पढ़ने वाले छात्र जो आंदोलन को खड़ा किए हैं, तो मेरा मानना है और हम भी सजेशन करना चाहेंगे कि अपना स्वयं के बूते आए, अपना इंडिपेंडेंट ही सही, अपने दल के माध्यम से आए, लेकिन किसी के आगे मजबूर ना होना पड़े, किसी के आगे लाचार विवश ना होना पड़े, इस टाइप से। अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।